टोक्यो ओलंपिक 2020 का आगाज कोरोना संकट के बीच जापान की राजधानी टोक्यो में हो गया है। दोस्तों, कोरोना काल के बीच में ही जापान की राजधानी टोक्यो में ये जो टोक्यो ओलंपिक 2020 है वह शुरू हो चुका है और इसका उद्घाटन समारोह भी हो गया है। पहले यह टोक्यो ओलंपिक 2020 में खेला जाना था, लेकिन अब एक साल के बाद में यह 2021 में खेला जा रहा है। तो ये भी आपको याद रखना है कि अब यह 2021 में खेला जा रहा है। दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक 2020 में 205 देशों से करीब 11,000 एथलीट जापान पहुंचे हैं। तो यहाँ पर यह भी याद रखना है कि 205 देशों से करीब 11,000 एथलीट जो है वह जापान पहुंचे हैं। टोक्यो ओलंपिक जो है वह 23 जुलाई 2021 से 8 अगस्त 2021 तक खेला जाएगा। तो आपको ये जो डेट है वह याद रखना है, 23 जुलाई 2021 से 8 अगस्त 2021 तक यह टोक्यो ओलंपिक 2021-2020 जो है वह खेला जाएगा। दोस्तों, उद्घाटन समारोह की बात करते हैं तो उद्घाटन समारोह में 18 भारतीय एथलीट शामिल हुए, ओनली 18 भारतीय एथलीट, और यह कोरोना के मद्देनज़र रखते हुए किया गया है कि बहुत कम एथलीटों को उद्घाटन समारोह में शामिल होने का मौका दिया गया है। तो मात्र भारत की ओर से 18 एथलीट जो हैं वह उद्घाटन समारोह में सम्मिलित हुए, ये आपको याद रखना है। दोस्तों, भारतीय दल की ओर से 6 बार की वर्ल्ड चैंपियन मुक्केबाज एमसी मैरी कॉम और पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह ने टोक्यो के नेशनल स्टेडियम में उद्घाटन समारोह के परेड में भारतीय दल की अगुवाई की। तो ये आपको याद रखना है कि 6 टाइम के जो वर्ल्ड चैंपियन है मुक्केबाजी में एमसी मैरी कॉम और मेंस हॉकी टीम के जो कैप्टन है मनप्रीत सिंह, इन दोनों ने टोक्यो के नेशनल स्टेडियम में उद्घाटन समारोह के जो परेड हुआ उसमें भारतीय दल की अगुवाई की। तो ये दोनों नामों को आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों, नेशनल स्टेडियम में सबसे पहले ग्रीक ओलंपिक दल ने मार्च पास्ट का नेतृत्व किया। तो यहाँ पर याद रखना है कि नेशनल स्टेडियम में जो मार्च पास्ट होता है, जो परेड होता है, उसमें से जो सबसे पहले दल था वह था ग्रीक ओलंपिक दल, ये आपको याद रखना है। और मार्च पास्ट में भारत का जो दल रहा वह 21वें नंबर पर रहा, यानी 21वां दल रहा भारत, 21st दल भारत का रहा। तो ये दोनों भी याद रखना है क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको इतनी सारी जानकारी जो है वह उद्घाटन समारोह से रिलेटेड है और साथ ही साथ टोक्यो ओलंपिक 2020 से भी यह जानकारियाँ हैं। तो आपको इतनी सारी जानकारी को अच्छे से याद रखना है और यह करंट अफेयर्स से रिलेटेड है और करंट अफेयर्स से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सब सारी जानकारियाँ इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पर एमसी मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह जो है वह भारतीय दल की अगुवाई की और भारत का जो दल रहा वह मार्च पास्ट में 21वां रहा। तो ये भी आपको याद रखना है।